हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोगे के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का टीम कंपेरिजन करेंगे। तो आगे बात करते हैं, वह कहते हैं ना, एक मैदान में केवल एक ही तलवार रह सकती है, पर आईपीएल के मैदान में एक नहीं दो ऐसी तलवार जैसी धारदार टीम है जो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अपने खेल की वजह से आज आईपीएल की सबसे कंसिस्टेंट और फेवरेट टीम्स बन चुकी है। चेन्नई और मुंबई की टीम एकमात्र आईपीएल की ऐसी टीम है जो कि 5-5 बार इस प्रतियोगिता को जीत चुकी है। चेन्नई और मुंबई की टीम की फैक्ट्री में खिलाड़ियों को ऐसे बनाया जाता है जो कि सिर्फ जीतना ही जानती है। तो इस बार टाटा आईपीएल 2024 में फिर से दोनों टीम उतरने के लिए तैयार मैदान में, तो मैच काफ़ी दिलचस्प होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो के, तो जानेंगे दोनों टीमों के डिटेल्स के बारे में, कुछ टॉपिक भी डिस्कस किया जाएगा। तो पहली टॉपिक की बात करेंगे तो जानेंगे दोनों टीमों के इतिहास के बारे में। सेकंड टॉपिक बात करेंगे कैसा रहा है दोनों टीमों का पास्ट परफॉर्मेंस। थर्ड टॉपिक बात करेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बारे में, जानेंगे डिटेल्स से। फोर्थ टॉपिक बात करेंगे, जानेंगे दोनों टीमों की कमजोरियाँ और खूबियों के बारे में। फिफ्थ टॉपिक बात करेंगे, बताएंगे अपनी राय वो टीमों के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहली टॉपिक की बात करें जो कि होगा दोनों टीमों का इतिहास। तो दोस्तों, बात करते हैं जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स, बता दूंगी यानी धोनी की कप्तानी में टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अपने आज तक के सीजन में चेन्नई ने 5 बार ट्रॉफी भी जीती है। वहीं बात करें मुंबई इंडियंस की टीम, तो मुंबई इंडियंस की टीम जो कि रोहित शर्मा की कप्तानी में काफ़ी प्रोफेशनल टीम खेलते हुए 5 बार आईपीएल का ट्रॉफी भी जीती है। तो कहीं ना कहीं टूर्नामेंट की सबसे लोकप्रिय टीम या दोनों टीम अपने इतिहास के आईपीएल के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर चुकी है। चेन्नई और मुंबई की फ्रेंचाइजी खेलना हर एक युवा खिलाड़ी के लिए एक सपने की तरह होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि कैसा रहा इन दोनों टीमों का पास्ट परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, चेन्नई की टीम ने 2023 का जो आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। वहीं बात करें मुंबई की टीम, तो उन्होंने पिछले सीजन अपने खेल के दम पर अपनी जगह प्लेऑफ में सुनिश्चित की थी। तो कहीं ना कहीं यह साफ है कि यह दोनों टीम काफ़ी बाकी सारी टीम से ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो बात करें इन दोनों टीमों के हेड टू हेड के मुकाबले के बारे में, तो बता दें इन दोनों टीम्स के दरमियान टोटल 36 मैच खेले गए, जिसमें से मुंबई ने 20 मुकाबले जीत में हासिल की। वहीं बात करें दूसरी टीम यानी चेन्नई की टीम के बारे में, तो चेन्नई की टीम ने मात्र 16 बार मुंबई टीम को हराया। तो कहीं ना कहीं मुंबई की टीम में काफ़ी हद तक ऑन पेपर मजबूत नज़र आ रहा है चेन्नई के मुकाबले। तो यह देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि मुंबई की टीम इस साल भी अपनी जीत का पलड़ा भारी बनाए रखती है या चेन्नई की टीम इस सीजन में कुछ कमाल कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो टीमों दोनों टीमों खिलाड़ियों के बारे में, जानेंगे डिटेल्स से। तो दोस्तों, एक टीम बैलेंस टीम बनाने में कहीं ना कहीं टीम में हर एक खिलाड़ी का एक महत्वपूर्ण किरदार होता है। कुछ ऐसे इन दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन इन दोनों टीमों को काफ़ी खास बनाता है। तो जानते हैं कुछ प्लेयर, तो पहली प्लेयर की बात करें, पहली टीम जो कि चेन्नई सुपर किंग्स है, जहाँ पे डिवोन कॉनमे है, ऋतुराज गायकवाड़ है, अजिंक्य रहाणे है, डैनियल मिचेल है, रचिन रविंद्र है, शिवम दुबे है, महेंद्र सिंह धोनी है, रविंद्र जडेजा है, शार्दुल ठाकुर है, दीपक चहर है, मुस्ताफिजुर रहमान है। यहीं बात करें गुजरात की टीम में, तो इस टीम में आपको काफ़ी सारे खिलाड़ी भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि हार्दिक पांड्या है, रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, टीम डेविड है, रोमारियो सैफ्रेड है, मोहम्मद नबी है, जसप्रीत बुमराह है, पीयूष चावला और जेसन बैंड्रोफ है। दोनों टीमों का प्लेइंग 11 जो कि दोनों टीम बैलेंस टीम देखने में लग रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स से। तो दोस्तों, हर टीम में कोई ना कोई खूबियाँ खामियाँ होते हैं, एक टीम हार और एक टीम जीत के साथ हर भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, हम बात करें दोनों टीमों के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स के बारे में। जहाँ पे मुंबई इंडियंस की टीम में कमजोरी मुंबई की बॉलिंग लाइनअप, जिसमें पूरी तरह टीम की अपनी प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के भरोसे अपने बॉलिंग लाइनअप को लीड करते हैं। वहीं बात करें बल्लेबाजी, तो मुंबई की टीम बैटिंग यूनिट अच्छी है, पर कहीं देखा जाए तो यह टीम काफ़ी अच्छी खासी बैलेंस टीम नज़र आती है। तो वहीं दूसरी चेन्नई की टीम और सिर्फ टीम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में अच्छा परफॉर्मेंस करती है। पास के कुछ समय में हमने देखा है कि काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने चेन्नई की टीम में जाकर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, उन उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि देश विदेश के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी खेलना पसंद करते हैं। यहाँ एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी की टीम में ताकत है, तो वही बात करें अगर महेंद्र सिंह धोनी इस टीम की कप्तानी यदि छोड़ देते हैं तो क्रिकेट पूर्ण रूप से संन्यास ले सकते हैं, जिसके कयास में काफ़ी ज़्यादा लोग हम जानते हैं यह टीम बिखरते हुए नज़र अभी आ सकती है। हमने रविंद्र जडेजा की कप्तानी में हमने चेन्नई की टीम के साथ होते हुए यह देखा था। तो कहीं ना कहीं चेन्नई की टीम अपने आने वाले समय में अपने टीम के कप्तान के रूप में एक बेहतर विकल्प खोजना जरूरी चाहेगा।
अब बात करते हैं पांचवा टॉपिक जो कि अपनी राय टीमों के बारे में बताएंगे। तो बात करें दोनों टीमों के बारे में, तो दोनों टीमों काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रोफेशनल टीम है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेलने के लिए जाना जाती है। जहाँ एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी है तो जैसे कप्तान है, तो जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रॉफी भी जिताई है, वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा की कप्तानी, जिन्होंने आई पी एल की मुंबई की टीम को लगातार तीन बार आई पी एल ट्रॉफी भी जीतने में रिकॉर्ड का मदद किया था। अगर बात बता दूँ जहाँ पे फाइनल कर गुजरे, तो कहीं ना कहीं बता या काफ़ी मुश्किल होगा कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, पर आंकड़ों के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस इनकाउंटर जीत सकती है। यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा चेन्नई की टीम किस तरह इस सीजन में धमाल करती है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो क्या इस बार चेन्नई वर्सेज और मुंबई इंडियंस के बीच में क्या होगा, क्या कितना दिलचस्प मैच होगा, दोनों भिड़ने वाली है मैदान में उतरने वाली है, तो यह काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग जोर देखेगा। और कोई दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।